जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग डेली कमेंट्स कर रहे थे कि सर बताइए एसएससी जीडी का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो आखिरकार मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा कि एसएससी जीडी का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा। मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि एसएससी जीडी का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा, सारे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो बस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके एक एक डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो है फ्रेंड्स, आप लोगों के पास 40 डेज का टाइम बचा हुआ है रनिंग करने के लिए। अब कैसे है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी ने जब अपना रिजल्ट जारी किया था तो नोटिफिकेशन में पैरा नंबर 9 पे एक पॉइंट दिया था, आपको हिंट कर दिया था कि आपका फिजिकल कब से स्टार्ट होगा। अगर आपने रिजल्ट को अच्छे से पढ़ा होगा उस नोटिफिकेशन को, तो आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा। तो इस पॉइंट पे लिखा हुआ था, एनी डिस्परेंसी विद रिस्पेक्ट टू द कैंडिडेट्स डाटा रिजल्ट मे बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कमीशन बाय 31 जुलाई 2019 एलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें भाई कहाँ लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी का फिजिकल 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, आपको लॉजिकली प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक एक्सपेक्टेड डेट है, 100% श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूँ 99% कि 15 अगस्त के बाद ही आपका फिजिकल होगा। कैसे होगा पहले उसको जान लीजिए। तो एसएससी बोर्ड ने कहा था, अगर किसी स्टूडेंट के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं फिर भी उसका रिजल्ट में नाम नहीं आया है, जो लिस्ट आई थी 6 लिस्ट आई थी उनमें अगर आपका नाम नहीं आया है, तो आपको 31 जुलाई 2019 के पहले पहले अपने प्रिंट आउट की एक कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन की अपने पास के एसएससी रीजन में जमा करनी होगी। जैसे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल रीजन में जा करके जमा करनी होगी। तो देखिए उसने एक हिंट किया है कि 31 जुलाई 2019 तक तो हम उनको मौका देंगे जिनका रिजल्ट की लिस्ट में नेम नहीं आया, मतलब 31 जुलाई तक तो फिजिकल होने वाला नहीं है क्योंकि इसके बाद ही फाइनल रिजल्ट आएगा जिन स्टूडेंट्स के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं फिर भी उनका लिस्ट में नेम नहीं आया। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर हैं, जैसे कट ऑफ आपकी किसी स्टेट की 75 आपकी कैटेगरी की गई है तो उन स्टूडेंट्स के 80-80 मार्क्स आ रहे हैं फिर भी उनका रिजल्ट में नेम नहीं आया। तो पहले उनको वेट करना होगा कि जब आपका नॉर्मलाइज मार्क्स का रिजल्ट जारी होगा, जो कि 1-2 दिन में जारी हो जाएगा, उसके बाद उनको ये काम करना होगा। तो एक हिंट मिला है आपको कि 31 जुलाई 2019 तक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैंने आपको बताया। अब देखिए जब 31 जुलाई 2019 तक वे स्टूडेंट्स जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वे अपने प्रिंट आउट अपने पास के रीजन में जमा कर देंगे, उसके बाद एसएससी उनके प्रिंट आउट और रिजल्ट पर एनालिसिस करने के बाद 4 से 5 दिन बाद, मिनिमम बता रहा हूँ 4 से 5 दिन बाद, उनकी लिस्ट जारी करेगा कि अब उनका भी लिस्ट में नेम आ गया है। तो इसके बाद सपोज कीजिए आपका 5 या 6 अगस्त तक वो लिस्ट जारी की जाएगी। एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ और प्रूफ दे रहा हूँ कि किस अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ आपको एक लॉजिकली बता रहा हूँ। तो 5-6 अगस्त को लिस्ट जारी की जाएगी और एसएससी का रूल है मिनिमम 7 डेज का टाइम आपको फिजिकल के लिए दिया जाता है। तो 7 डेज 6 तारीख में 7 जोड़ देंगे तो हो गया आपका 13 अगस्त। अब सोचेंगे कि 17 अगस्त, तो 13 अगस्त के बाद पड़ जाता है 15 अगस्त और एसएससी जो आपका फिजिकल कराया जाएगा, ये फिजिकल आपका कराया जाएगा CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जैसे कि आपकी CRPF CISF इनके कर्मचारियों द्वारा आपका फिजिकल कराया जाएगा। तो 15 अगस्त की सलामी और परेड करने के बाद ही वे फ्री होंगे, उसके बाद ही आपका फिजिकल स्टार्ट होगा। तो उम्मीद कर सकते हैं 17 अगस्त, इससे पहले तो फिजिकल होने वाला नहीं है, इसके बाद ही फिजिकल होगा। किस अकॉर्डिंग होगा मैंने आपको सारा प्रूफ दिया है, जिसने पूरा वीडियो देखा होगा उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई फेक वीडियो नहीं था, एक एनालिसिस के थ्रू मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बकाया आपकी मर्जी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी जानकारियाँ सही मिलें तो सब्सक्राइब करिए, वरना मत करो भाई, मुझे कोई इससे फ़ायदा नहीं होता है। जैसी आपकी मर्जी, जैसे जिसकी सोच। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी के फिजिकल में जिन स्टूडेंट्स की रेस नहीं तैयार हो रही है तो 40 डेज में उनको कैसे अपनी रेस 20 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट करनी है, उनको क्या डाइट प्लान लेना होगा, क्या खाना होगा, कैसे रनिंग करनी होगी, मैं सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, वरना भाई जैसी आपकी मर्जी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।